हेलो गाइस, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस थोड़ी सी देखो, मैं कोई मेकअप नहीं करती फिर भी मेरी स्किन में कुछ ना कुछ एलर्जी होती रहती है। एनीवेज ठीक है, बहुत सारा पानी पीने का और क्या। और अभी हम सीधा टिफ़िन बनाएंगे, तो उसमें मैं आज बना रही हूँ कॉर्न की सब्जी, इडली फ्राई, और मैं पर्सनली इडली, स्टीम इडली और चटनी लेके जा रही हूँ टिफिन में, विथ सम बॉइल्ड कॉर्न्स एज अ सलाद। ठीक है, और बा का भी गुड मॉर्निंग ले लेते हैं, फिर आपको रेसिपी दिखाऊंगी और फिर हम निकलेंगे स्कूल के लिए। चलो आईवा, आज तारीख में आईवा करा, आईवा मारे मोंगी दिखली थे ने बहु दाई दाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अबे हूँ जाऊँ छू, मने लेट था से। लेट था तो रोज क्यों लेट थी जाए? नाटक करे नकारी। टिफिन बनावानू होए, कितना बड़ा काम होए, नवरी ना थी, बहु काम छे। सबसे पहले डालेंगे मक्खन, क्योंकि मक्खन मारना मुझे बहुत पसंद है, हाँ हाँ। फिर ऐड करेंगे जीरा, जीरा तड़ तड़ हो। फिर ऐड करेंगे हींग हाजमा के लिए, और फिर प्याज जो रुलाता है, कैप्सिकम, उसमें डाल देंगे टमाटर जो बहुत महंगे हैं। कैप्सिकम ने, अरे प्याज ने नहीं रुलाया उतना, टमाटर ने रुलाया था। फिर हल्दी डाला, थोड़ा सा पानी और लाल मिर्च पाउडर, मिक्स करेंगे अच्छे से। फिर ऐड करेंगे धनिया जीरा पाउडर, वापस मिक्स कर लेंगे। फिर ऐड करेंगे पाव भाजी मसाला और धनिया, अच्छे से मिलाने के बाद नमक, कॉर्न्स आपके क्वांटिटी के हिसाब से डालना, और इडली फ्राई। उसके लिए चाहिए तेल, राई, तिल, हरी मिर्च, हल्दी, और मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है सेजवान चटनी, और मिला लो तो रेडी है हमारा इडली फ्राई और धनिया। अभी जाएंगे स्कूल। स्कूल पहुंच चुकी हूँ और अभी थोड़ा सा नाश्ता करती हूँ, फिर जाएंगे क्लास में। निकलते हैं घर के लिए, पंच हो चुका है। इवनिंग के क्रेविंग या भूख के लिए मैं बना रही हूँ, मैंने इस डिश को पर्सनली नाम दिया है कॉर्न डिस्क, तो मैं कॉर्न डिस्क बना रही हूँ, बहुत इजीली झटपट बन जाएगा। चलो मैं दिखाती हूँ उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और देखते हैं कि कैसे बनता है। सबसे पहले बाउल में लेंगे बहुत सारे सोने के दाने, यानी कि गोल्ड कॉइन्स नहीं, ये है कॉर्न, स्वीट कॉर्न बॉइल्ड। उसमें डाला मैंने कैप्सिकम, मेयोनीज, पेरी पेरी मसाला, ओरेगानो, पिज्ज़ा मिक्स, आप इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हो, और चीज़ ढेर सारा आपके फैट्स के अनुसार, अच्छे से मिला लेंगे, और धनिया। तो हमारा ये फिलिंग रेडी है। फिर एक बाउल में लेंगे रेड चिली सॉस और मेयोनीज, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा स्प्रेड इज़ रेडी। तो हमारी सब चीज़ें रेडी है। तो मैंने लिया है ब्राउन ब्रेड और उसको एक कटोरी की मदद से बीच में से डिस्क निकाल लिया, यानी कि ब्रेड को राउंड कट कर लिया। वैसे ही सभी ब्रेड्स को कट कर लेंगे और इसके ऊपर मैं स्प्रेड करूँगी रेड चिली मेयोनीज, जो मैंने आपको दिखाया कि मैंने कैसे बनाया। तो इसको चारों ब्रेड में फटाफट लगा देते हैं। मेरे हाथ में जो आपको दिख रहा है वो है प्रॉक्सी, क्योंकि हमें आदत होती है टीचर्स को ऐसे प्रॉक्सीज लिखने की। तो चलो फटाफट चारों को हम स्प्रेड लगा देते, वरना बातें तो बंद नहीं होगी मेरी। स्प्रेड लग गया है, अब बारी आती है टॉपिंग की। तो इसमें आप बहुत सारी और चीज़ें ऐड कर सकते हो, बट मुझे इसमें ऐसे ही अच्छा लगा तो मैंने ऐसे बनाया। आप स्प्रिंग ऑनियंस भी डाल सकते हो। तो चारों में टॉपिंग डाल दी और ढेर सारा चीज़ वापस, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो हमारे छोटे छोटे डिस्क, गोल्ड डिस्क रेडी है। अभी लगाएंगे बटर और उसके ऊपर हम ये सेकने रख देंगे ताकि पूरा चीज़ मेल्ट हो जाए, और ये हमारा डिस्क रेडी है। इसको मैंने सर्व किया है केचप और ब्लू लेस के साथ। एकदम मस्त
क्रिस्पी मैंने तो नहीं खाया क्योंकि बहुत चीजी है आपने देखा, बट जो मेरे घर वालों ने खाया अभी नाश्ते में उन्होंने यही बोला बहुत चीजी है, और जो डिस्क बना एकदम क्रिस्पी था, परफेक्ट है फॉर इवनिंग स्नैक्स विथ योर टी और मॉर्निंग स्नैक्स, या फिर कोई गेस्ट आए हैं तो उनको चाय के साथ कुछ चटपटा चाहिए, बाहर से नहीं मंगवाना है, तो घर पे अगर आप ब्रेड रखते हो तो इजीली ये बन जाएगा। इसी नोट के साथ आज का मैं ये दिन यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बड़ा बड़ा मजा आया तो प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल जो है हितेश रिजानी, और तब तक के लिए आपका ध्यान रखे, आपके पेरेंट्स का ध्यान रखे, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय गाइस।